आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने है, ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट शू है। तो हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे आप सब, आपका भाई आपके लिए फिर एक और बार हाजिर हो चुका है नया शू लेके। अगर आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हो चीपेस्ट शू, चीपेस्ट हाइकिंग शू, ट्रैकिंग शू, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट शू फॉर हाइकिंग, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अमेज़न से कुछ ऐसा कुछ पैकिंग में बॉक्स आया हुआ है, देख सकते हो आप, ऐसा पैकिंग में उन्होंने बॉक्स भेजा, तो इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने पहले से ही फाड़ के रख लिया हुआ था, तो ये कुछ रैपर, इसको हटाते हैं। ये बॉक्स है वेक्टर एक्स, ये कुछ बिल है इसका, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मेरे को पड़ा है। बिल भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यह है 1860 रुपये का, देख सकते हो अभी यहाँ से 1860 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है, चीप प्राइस में ही है। और ये कुछ शू है, शू का पहला लुक देखो, क्या बेहतरीन शू लग रहा है। शॉल भी काफ़ी अच्छा है इसका, इतने मोटे मोटे ग्रिप बने हुए हैं शॉल में, भी काफ़ी अच्छा शॉल है, और अंदर से भी कुशनिंग भी देख सकते हो, कितनी हैवी कुशनिंग लगाई हुई है। लेसेस भी इसके काफ़ी मोटे हैं, ओवरऑल देखने में तो लुक अच्छा ही है। कलर वाइज भी येलो और ये ब्लूज सा है, ब्लैक सा है, डॉट डॉट वाला फैब्रिक लगाया गया है, दिखने में लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सब हम साइड कर देते हैं, दूसरा शू भी निकाल लेते हैं जब तक। तो ये दूसरा शू है, पन्नी में आया है, बाकी ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक ये बैग मिला हुआ है, मैं तो कैरी करने के लिए भी बैग भी दिया हुआ है। इस पर भी ब्रांडिंग दी गई है कंपनी की, वेक्टर एक्स फुट वियर्स को, इसको भी हम साइड कर देते हैं, सारा क्लीन कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा मेन शू है, शॉल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी थिक मोटा शॉल है, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग भी काफ़ी मोटी लग रही है मेरे को। बाकी अंदर से देखते हैं, यहाँ पे मैंने साइज़ मंगाया हुआ है इंडिया का, यूके का 6 नंबर साइज़ है। अंदर से देखो गाइस, ये देखो कुशनिंग कितनी ज़्यादा हैवी लगी हुई है इसके अंदर कुशनिंग, यहाँ पे 2 हुक लगे हुए हैं जो कि एडजस्टेबल है, नीचे ऊपर हम कर सकते हैं, और ये भी लेसेस भी काफ़ी मोटे हैं, और इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी वेक्टर एक्स। तो शूज का शू का ओवरऑल लुक तो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। ये देखो, अब देखो सर शू का लुक, यहाँ से भी तक खींच देता हूँ, देखो शू का लुक तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉल की ग्रिप भी मुझे काफ़ी अच्छी है, पूरा प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी अच्छा रबड़ है, ये देखो ऐसे करके भी मैं दिखाता हूँ आपको, मोड़ रहा है, रबड़ है, काफ़ी अच्छा रबड़ है। और यहाँ से वैसे ही वाटर प्रूफ है, कंपनी ने क्लेम तो करा हुआ है वाटर प्रूफ है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोजअप। तो इस जगह से जैसे कि ये खाली रहता है ना यहाँ से कपड़ा, तो इस जगह भी जॉइंट है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ना पानी जाने का कोई चांसेस नहीं है, यहाँ से दोनों जगह से जॉइंट हो रखा है दोनों जगह से कपड़ा, तो पानी जाने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। और वैसे वाटरप्रूफ है ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक मेरे को नाम एग्जैक्ट पता नहीं, बट काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, इससे तो पानी जाने का नहीं है, कुछ भी चांस है ही नहीं। और जो यहाँ पे जो फैब्रिक लग रहा है ये लेदर टाइप में जो होता है रैक्सिन, वो लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी जाने का चांस है बस थोड़ा बहुत यहाँ से, तो ये भी अब वाटरप्रूफ ही कपड़ा होगा मेरे को देखने में लग ही रहा है। बाकी इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। आपको ओवरऑल ये शूज़ कैसा लगा मेरे को ज़रूर से बताना कमेंट में। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1860 रुपए की इसकी प्राइसिंग है, जो कि अफोर्डेबल है, इतने ज़्यादा महंगा शू नहीं है, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा शू है। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने है, ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट शू है, क्योंकि इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, ट्रैकिंग के लिए हाइकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया शू है, देख सकते हो। ये मेन जो बनाया गया है ये आपका ट्रैकिंग हाइकिंग शू है, वाटरप्रूफ है, तो इस नो डाउट इसको आप कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा जो है।